मैं इस पर सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा मेरे बॉस सर जो मेरे हेड को हमारे इंडिया टीम के हेड कोच है और हमारे पर्सनल कोच भी है, और दूसरा मैं थैंक यू करना चाहूँगा पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का जिन्होंने हर कदम पे पैरालंपिक को सपोर्ट किया, इवन पूरे पैरालंपिक के टीम को सपोर्ट किया, जितने भी पैरा प्लेयर्स है डिफरेंट गेम में सबको पूरा सपोर्ट रहा। थर्ड मैं थैंक यू करना चाहूँगा साई को जिनके मदद से हम टॉप स्कीम में थे और जिनकी मदद से सारे इवेंट्स खेले और आज इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी किया और आपके सामने रिजल्ट है कि देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाने की कोशिश करी और ले भी आया। और ये जो लास्ट मैच था ये मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मेरी वाइफ को सर, उन्होंने मेरी वाइफ ने लास्ट में मुझे कॉल किया जब मैं सेमीफाइनल मैच हारा और कॉल करके एक ही बात कही कि जितना गुस्सा आप मुझ पर दिखाते हो उतना गुस्सा कोर्ट में दिखा दो तो मुझे लगता है कि कोई नहीं हरा पाएगा आपको। तो ये मैच मैं उनको डेडिकेट करता हूँ और मेडल पूरे देश को डेडिकेट करता हूँ। ये सफ़र टफ रहा 2015 के बाद, हम लोग मेडल दूसरे इवेंट्स में तो जीत रहे थे पर ओलंपिक इवेंट स्पोर्ट्स बन जाना, यानी कि वी नीड अ प्रोफेशनल सेटअप, वी नीड अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसके लिए PCI और एक्सटेंड किया अपना सपोर्ट हमको और वी गॉट कोच्स, एंड उसके बाद हम लोगों ने जो जर्नी स्टार्ट किया उसमें सीनियर्स ने बहुत सपोर्ट किया एंड वी ऑल प्लान टुगेदर, मेक द शेड्यूल टुगेदर, ट्रेन टुगेदर एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव अरेंज्ड ऑल द प्रोफेशनल इक्विपमेंट लाइक जिम, सोना बाथ, स्टीम बाथ, आइस बाथ, जैकुजी, हाइड्रोथेरेपी, यू नेम द इक्विपमेंट, छोटा है पर अपना है। वी डिड इट एक छोटी फैमिली में, हमारे पास कुक रहते हैं, मनोज एक कमरे में रहता है, बगल में प्रमोद रहता है, उसमें कृष्णा रहता है, उसमें सुकांत रहता है, मतलब दे ऑल स्टेड टुगेदर और सपोर्ट करते हैं जूनियर्स को। जो समस्या होती है वो PCI गुरचरण जी यहाँ खड़े हुए हैं, दे आर रेडी टू सपोर्ट अस, एंड ऑफकोर्स साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पूरी साइकिल में स्पोर्ट्स के लिए जो किया है कुछ भी कहेंगे इट इज़ लेस देन वट एवर दे रिक्वायर एन अप्लॉज। तो मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में बट स्टिल दे आर डूइंग अ लॉट फॉर द स्पोर्ट्स, थैंक यू सो मच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब भी मैं ये पैसे या जो भी इंटरव्यू देता था मैं हमेशा ये बोलता था हमारे मिनिमम 15 मेडल आएंगे, वो इस कॉन्फिडेंस से बोलता था क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को पता है कि हमारे प्लेयर्स, हमारे एथलीट्स किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी क्या वर्ल्ड रैंकिंग है, उनके कौन कौन से ओपोनेंट्स हैं, उसके बेसिस में मैं बोलता था। इसके बेसिस पे जो आज जो मैं बोलता था द ड्रीम हैज़ कम ट्रू, अब लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छा वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म कर सकते हैं और हमारा अब टारगेट पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के बाद अब नेक्स्ट टारगेट हमारा पेरिस 2024 है और मैं समझता हूँ कि पेरिस 2024 में हम इससे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और अपने देश का नाम मेडल टैली में बहुत ऊपर करेंगे।